मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स के नायक में। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया, बहुत अच्छा सक्सेसिव मेथड मैंने बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो कैसे करना है। उन्हीं चीज़ों को आज हम दोबारा से रिपीट करेंगे, उससे कुछ आगे भी समझेंगे। और आज मैं आपको एक डिटेल मेथड बताऊंगा। अगर आपको डिटेल मेथड पूरा आ जाता है और आपकी स्पीड उसके अंदर ग्रो हो जाती है, तो मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले जाए, आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे भली भांति बिल्कुल कम समय में। ठीक है, तो जो चीजें मैं समझा रहा हूं आपको, दो तीन मेथड बताऊंगा इसके अंदर, और लास्ट में जो मेरा मेथड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा जब लास्ट का मेरा वीडियो आएगा। एक बार आपको मैं डिटेल मेथड बता देता हूं, और सक्सेसिव मेथड भी मैंने आपको बताया डिक्रीज और इंक्रीज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। समय आपको 2 वर्ष दिए है, और आपको जो रेट है वो 2 साल के लिए अलग अलग दिए है। एक तो 11 से 1/9% है, और एक 12 से 1/2% है। CI आपको दे रखा है 200 रुपए। अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न के अंदर मैं आपको बताऊं, जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर CI का अगर क्वेश्चन है और उसमें आपसे ये ना पूछे कि SI का कुछ मैटर ना पूछे, तो आप सक्सेसिव मेथड लगाइए जो मैं अब लगाने वाला हूं। ठीक है, जब आपको SI का कॉन्सेप्ट साथ पूछेगा तो उसमें हम डिटेल मेथड लगाएंगे, वो भी आपको इसके बाद बताने वाला हूं। इसके इस टाइप से मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले वीडियो में करवा दिए थे, आज कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे। तो देखो यहां पर समय है 2 वर्ष, यानी 2 साल के लिए पहले साल के लिए इतनी दर लगेगी, ठीक है, और दूसरे साल के लिए ये दर लगेगी। तो यहां पर देखो ना, हम कोई फॉर्मूला लगाने वाले ना कोई ट्रिक, सीधा कंसेप्ट है, चलिए देखिए। तो अगर हम देखोगे आप प्रतिशत आपको अच्छे से आता है, तो यहां पर 11 से 1/9% पहले साल के लिए है, और 12 से 1/2% ये दूसरे साल के लिए है। सीधी सी बात ये है। अब 11 से 1/9% कितना होता है? 1/9 होता है। क्या होता है? 1/9 होता है। आपको परसेंटेज अच्छे से आता था। और 12 से 1/2 होता है, 1/8 होता है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे परसेंट हटाओगे तो आप ये निकल के आएगा। लेकिन अब यहां देखो आप कि अपने पास प्रिंसिपल कितना था, 9 रुपए था, तो 1 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है इसके अंदर, दर लगेगी वृद्धि हो रही है, यानी 1 रुपए की वृद्धि हो रही है। यानी मेरे पास 9 रुपए थे, प्रिंसिपल 9 रुपए था, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। ठीक बात है, हम जो चीजें समझा रहा हूं एक बार ये समझिए। और पहले दूसरे साल अगर 8 रुपए था, तो 1 रुपए का बेनिफिट हुआ तो कितने हो गए? 9 हो गया। ठीक है बात। अब देखो ऐसे इस टाइप से जब सक्सेसिव मेथड हम करेंगे तो क्रॉस कैंसिल कर देंगे इस तरह से, 9 से 9 कैंसिल, यहां 4 2 8 हो गया, और 5 2 10 हो गया, 2 का चला गया। अब देखो इन दोनों चीजों को हम मल्टीपल में कर लेंगे, तो 4 का 4, और इधर इसको मल्टीपल में करेंगे हम तो 5, यानी ये यूनिट के अंदर वैल्यू है। क्या है? यूनिट के अंदर। ये मैंने क्या लिया था? प्रिंसिपल। तो आपका जो 4 है ये क्या है? प्रिंसिपल है। और ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये बन गया आपका अमाउंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये अपना प्रिंसिपल 4 यूनिट है और अपना अमाउंट कितना बन गया? 5 यूनिट। अब आप देख पा रहे हो कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसका डिफरेंस चेक करोगे तो निकल के आएगा CI, वो कितना आया? 1 यूनिट। मैंने आपको बताया यहां पर जो चीजें मैं करवा रहा हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये चीजें सारी यूनिट के अंदर लेंगे। किसमें लेंगे? यूनिट में लेंगे। यानी तो अपने पास प्रिंसिपल आया 4 यूनिट, अमाउंट आया 5 यूनिट, CI आया अपना 1 यूनिट। ठीक है, इतना कर लिया, इतना समझ में आया। ठीक बात। अब देखो अपने को CI दे रखा है 200 रुपए। कितना दे रखा है? 200 रुपए। और CI है कितना अपना? 1 यूनिट है। यानी कहीं ना कहीं ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट किसके बराबर है? 200 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? 200 रुपए के बराबर है। ठीक बात है।
अब हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, तो अपना प्रिंसिपल कितना भी 4 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो ये कितना आ गया 4 × 2 = 800 रुपया आ गया। इसी तरीके से आप अमाउंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट कितनी है 5 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 5 × 2 = 10 कितनी आ गई 1000। समझ में आया, यानी ये एक सक्सेसिव मेथड, इसमें डिक्रीज और इंक्रीज के बारे में बताया, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर, ये यूनिट्स में लेना है। जब तक आपको कहीं इस क्वेश्चन में एसआई अगर नहीं लिखा हुआ है, एसआई नहीं लिखा हुआ है, सीआई अमाउंट या प्रिंसिपल कुछ भी फाइंड आउट करें, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं होगा, समझ में भी आएगा और जल्दी भी कर पाओगे आप। तो क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो तरीका आपको बताऊंगा ये द बेस्ट होगा, डिटेल मेथड आपको बताने वाला हूं। क्यों बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर ऐसा ही फाइंड आउट करवा लिया आपसे, क्या फाइंड आउट करवा लिया, ऐसा ही आपको फाइंड आउट करवाना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अब ये जो डिटेल मेथड मैं आपको करवा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लोगे ना तो और सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएंगे। तो चलिए डिटेल मेथड करवाता हूं, अभी तक जो मेथड मैंने करवाया वो था सक्सेसिव मेथड, और अब कराऊंगा डिटेल मेथड। कौन सा डिटेल मेथड? ठीक है, डिटेल मेथड। तो देखो डिटेल मेथड को कैसे करना है अपने को, यहां पर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, समय आपको 2 वर्ष दे रखा है, रेट है 15% सीआई आपको 645 दे रखे हैं, अमाउंट आपको ज्ञात करनी है, एसआई ज्ञात करना है। जब भी आपको प्रिंसिपल सीआई एसआई और अमाउंट इनके बीच अगर रिलेशन पूछे, एसआई अगर बीच में हो तो आपको ये डिटेल मेथड ही यूज करना है। ठीक है चलिए समझिए इसको, यहां पर करना क्या होगा आपको, इस 15% को आप अगर सोल्व करोगे तो 15/ कितना बनता, ये बनेगा आई थिंक मेरे हिसाब से तो 15/300। ठीक है 15/300 बनेगा ना, 300 क्या बनेगा, परसेंट उठाएंगे तो 100 आएगा। ठीक है अब इसको सोल्व करोगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 3, यानी 3/20 बनेगा, क्या बनेगा 3/20 बनेगा। ठीक है अब इसको बना ले, अब सारा काम हम जो करेंगे वो यूनिट के अंदर करेंगे, किसमें, यूनिट में काउंट करेंगे। ठीक है कैसे करेंगे, यहां पर अपने को एक प्रिंसिपल लेट करना होगा, क्या करना होगा प्रिंसिपल को लेट करें, कितना लेट करें वो देखना है। हमेशा जब भी आपको रेट देखी है, जब भी आपको रेट दे रखी हो तो आप क्या करोगे, अंश और हर आपको मिलेगा, ये सिंपल सीधा मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं, और भिन्न के रूप में आपको रेट मिले तो आपको हर का क्या करना है, हर को ऐसा लेना है जिसका फैक्टर ना हो। यहां पर समय 2 वर्ष दे रखा तो हर की पावर 2 कर दोगी, यहां पर आपको 3 दे रखा है तो हर की पावर 3 कर दो, ऐसा प्रिंसिपल अपने को लेट करना होगा। तो 20 की पावर में कितनी करूंगा, 2 करूंगा तो 400 यूनिट में यहां पर प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लूंगा, लेट कर लूंगा, यानी ये 400 यूनिट है, क्या है 400 यूनिट है। ठीक है कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमेशा हर में जो संख्या आएगी आपके, या तो सब भिन्न के रूप में आए ना कोई बात नहीं, सीधा हो तो कर लेंगे, जब भिन्न के रूप में वो संख्या है तो उसके हर को ऐसा मानना है प्रिंसिपल, तो ऐसा मानने की जरूरत नहीं, आपको समय दे रखा, जितना वर्ष समय दे रखा उसकी उतनी पावर बना दीजिए आप। ठीक बात है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 400 यूनिट आ गई, डिटेल मेथड। अब समय कितना है 2 वर्ष, ये 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो देखो यहां पर पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का, बड़े ध्यान से समझना, पहले वर्ष का कितना लगेगा, कितनी रेट है 3/20, तो पहले वर्ष का 3/20 आप निकालोगे और दूसरे साल का भी 3/20 आप निकालोगे। ठीक है ध्यान से समझना, जब 3/20 निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 यानी 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पहले साल का जो ब्याज आया वो कितना आया 60 रुपया आ गया, कितना आ गया 60 रुपये, तो दूसरे साल का भी 60 रुपया आएगा, कितना आएगा दूसरे साल का भी 60 रुपया आएगा। ठीक अब देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करनी, फाइंड आउट करना है, तो यह देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट लगता है, साथ साथ उसके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो यहां पर आप देखा कि पहले अपने ने पहले साल दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक बात है, अब देखो ब्याज पे इंटरेस्ट लगाएंगे, कि यहां देखोगे इससे पहले कोई इंटरेस्ट है
नहीं है, इससे पहले कोई प्रिंसिपल नहीं, यही इंटरेस्ट है, यही मूलधन, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, 3/20, इस पे 10 ब्याज लगेगा, तो इसका 3/20 हम निकालेंगे। तो 3/20 इसका जब निकालोगे तो कितना आ गया, 0.0326 आ गया आपका, 9 सारा कुछ यूनिट में चल रहा है, ये आपका 9 आ गया। बात समझ में, आप सोचो इस पे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये तो लास्ट की रकम है, इससे पहले जो भी इंटरेस्ट होगा उस पे इंटरेस्ट लगता है हमेशा, ध्यान रखना इस बात को। अब आप देखो, सपोज करो कि पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, ये क्या हो गया यहां पर, सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले साल का और पहले साल का SI और CA क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर आप देखो, पहले साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो भी इतना निकलेगा इस रेट से, दूसरे साल का भी इतना निकलेगा। यानी कहने का मतलब कि दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 60, और 60 कितना हो गया, 120 यूनिट। यानी दो साल का, यहां पर आप देखोगे दो साल का SI कितना है, दो साल का SI करोगे तो 60, और 60 कितना हो गया, 120 हो गया। इस बात को बड़े ध्यान से समझना, डिटेल मेथड है। अब देखो, अब ये इतना क्या हो गया, SI हो गया दो साल का। अब दो साल का CA कितना होगा, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये और काउंट हो, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, तो 20, 60 और 60 कितना हो गया, 120 और 129। यानी दो साल का यहां पर आपके पास हो गया SI, जो CI जो आपका निकल के आया वो आया 129 यूनिट। समझ में मेरी अलग बात, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेना कि भी इनका डिफरेंस बताओ, तो कितना डिफरेंस इसका, 9 यूनिट। तो यहां देखो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखते हैं, हमें यहां पे दे रखा है CA 645 दे रखा है, CA कितना दे रखा है, 645 दे रखा है। यानी दो साल का CA हमें 645 दे रखा है, लेकिन दो साल का CA है कितना, 129 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट। यानी कहने का मतलब ये किसके इक्वल है, 129 यूनिट, ये 645 के इक्वल है। रुक वे, तो यहां में हमेशा एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से हम एक यूनिट निकालेंगे, तो एक यूनिट निकालना आता है ना, 645 को डिवाइड करते हैं 129 से, तो आता है 5। तो 101 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपया आ गई। कितनी आ गई, 5 रुपया आ गई। अब जो आपको ज्ञात करना है, अब देखो अगर प्रिंसिपल ज्ञात करना होगा तो प्रिंसिपल कितना है, 400 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 5। तो यहां पर इंटू में 5 कर देंगे और आपका ये प्रिंसिपल निकलेगा, 5×20 और 2000 आपका प्रिंसिपल आ गया। देखो इसमें क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसमें हम दो साल का SI भी ज्ञात कर सकते हैं। दो साल का SI कितना है, 120 है, और इसको इंटू कर देंगे 5 से, तो ये दो साल का कितना है, 12×5=60, और 600 आपका दो साल का SI भी निकल के आ जाएगा। यहां से दो साल का पहले से दिया हुआ है, अमाउंट ज्ञात करनी है, अमाउंट कितनी है आपकी यहां पर, हाँ प्रिंसिपल आ गया आपको, अमाउंट ज्ञात करनी है। तो दो साल का सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, और आपके दो साल का SI कितना है, ये 645। तो हम सीधा सीधा इसके अमाउंट भी हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आपकी अमाउंट निकल कर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वही होता है, दो साल की अमाउंट अपने को ऑलरेडी दे रखी है पहले CA। और क्या ज्ञात कर सकते हैं इसमें, जो चीजें पूछी गई तो यही SI भी अपने ज्ञात कर लिया। यानी इस डिटेल मेथड से आप कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, हम बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हम और समझते हैं इसी डिटेल मेथड से, और इसको पूरा कंप्लीट समझेंगे हम इस बात को। तो चलिए वापिस वही चीज, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, दो साल समय दे रखा है, रेट दे रखी 16 से 2% CA और SI का 780 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब भी SI साथ में मिक्स हो जाए तो आपको डिटेल मेथड यूज कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या लेते हैं, 16 से 2/3 बनता है 1/6, क्या बनता है 1/6 बनता है, इसीलिए तो मैं कह रहा था आपको, आपको प्रतिशत आप अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर प्रिंसिपल को लेट करेंगे, प्रिंसिपल कितना लेट करेंगे, मैंने बताया इसका हर का कितनी पावर करेंगे, जितना समय है, तो 6×2 कितनी होती है, 36 यूनिट। तो ये सारा क्या आ गया, यूनिट में निकल रहा आपका 36 यूनिट आ गया, ठीक है। तो चलिए अब दो साल है, तो देखो पहले साल और दूसरे साल, तो पहले साल कितनी दर लगेगी 1/6, दूसरे साल भी 1/6 लगेगी, 36 का 1/6 की तो 6 होता है, फिर इसका भी 6 होता है, तो ये पहले साल का, तो ये दूसरे साल का ब्याज आ गया, ठीक है। और दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 6×6=12। अब देखो हमें निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अब यही अमाउंट है, सॉरी यही प्रिंसिपल और यही इंटरेस्ट है, तो इसके ऊपर 1/6 और लगेगा ब्याज, ये बनेगा 1, ठीक है। तो यहां पर SI कितना आ गया, अगर दो साल का SI आप देखोगे, दो साल का SI 6×6 कितने आ गए, 12 यूनिट, कितने आ गए,
बारह सी आई कितना आ गया दो साल का, अब देखोगे छह छह बारह रेख तेरह तेरह यूनिट आ गया। दो दो साल की बात, दो साल दे रखे अपने को, यहाँ पर दो साल का क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अपने को 780 दे रखा है, लेकिन इनका डिफरेंस कितना है, एक यूनिट है, कितनी है एक यूनिट है, ये किसके बराबर दे रखी है 780 के बराबर हमें दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, एक यूनिट किसके बराबर है 780 के, क्योंकि दे रखा है आपने ऑलरेडी। अब एक यूनिट 780 के बराबर तो आपका आंसर आ गया, क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 36 यूनिट है, तो इसको इंटू किससे कर देंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 780 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा इसी तरीके से। अब आपको क्या करना है, खाली इसमें तो प्रिंसिपल पूछा गया था, अगर एसआई पूछता तो एसआई को किससे मल्टीप्लाई कर देते कि 12 यूनिट है उसको एक यूनिट की वैल्यू कितनी 780, तो इसको भी 780 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका एसआई निकल के आ जाता। सीआई निकालना है, सीआई 13 यूनिट है तो इसको एक यूनिट की वैल्यू कितनी 780, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते तो आपका सीआई भी निकल के आ जाता। तो कहने का मतलब ऑल ओवर ये डिटेल मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसे किए बिना छोड़ नहीं सकते। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस जब करोगे ना तो स्पीड भी आपकी ग्रो होगी, कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैंने इसमें चेंज किया है। अभी आप सोच रहे थे कि सर ने दो साल लिए हैं और डिटेल मेथड भी हमें समझ में आ गया, सक्सेसिव मेथड भी हमें समझ में आ गया, कहीं ना कहीं आपके ये दिमाग में चल रहा है कि सर अगर 3 साल हो तो हम कैसे करें, डिटेल मेथड को कैसे करें 3 साल, तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन लिया है कि प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, समय यहां पर मैंने आपकी बार 3 वर्ष ले लिया, अब 3 वर्ष से कैसे करेंगे ये चीज मैं आपको बताऊंगा। आर आपको 10%, सीआई आपको 3310 रुपये दे रखा है, दो मेथड बताऊंगा इसमें, इसको सक्सेसिव मेथड से भी आप कर सकते हो, डिटेल मेथड से भी आप कर सकते हो। चलिए मैं पहला सक्सेसिव मेथड जो मैं स्टार्टिंग में बताया था वो करवाता हूँ। क्यों करवा रहा हूँ इससे, क्योंकि यहाँ पर एसआई का नाम नहीं लिया गया। वो मेथड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एसआई का कोई भी नाम नहीं लिया गया, इसलिए हम क्यों डिटेल मेथड में जाएं, हम सक्सेसिव मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए इससे करें, तो करने का तरीका यही, 10% क्या होता है 1/10 होता है, क्या होता है 1/10 होता है, सिंपल सी बात है। ये कहने का मतलब यही है कि तीन वर्ष के लिए 10% दर लगेगी, 3 वर्ष के लिए लगेगी, ठीक है 3 वर्ष के लिए दर लगेगी आपकी, सिंपल सी बात है कि पहले साल अगर 10 रुपये तो आपका अगले साल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, दूसरे साल भी 10 रुपये तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तीसरे साल भी 10 रुपये तो आपका क्या हो जाएगा 11, यानी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 साल के लिए पहले साल भी ये दर लगेगी तो इतना है, दूसरे साल भी यही तो इतना, तीसरे साल भी यही तो इतना, समझ में आई ये बात, ठीक। चलिए अब इसको मैंने कहा था कि ये होता है प्रिंसिपल यूनिट में, ये होता है आपका अमाउंट यूनिट में, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पहले 2 साल था तो दोनों सालों को मल्टीप्लाई किया था, अब 3 साल है, ये बन गया आपका 1000 यूनिट, कितना बन गया 1000 यूनिट, ये आपका बन गया प्रिंसिपल, ठीक बात है। इसको करेंगे तो 1331 बनता है, ये आपका बन गया अमाउंट, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल और अमाउंट, अब इनका निकालेंगे डिफरेंस तो बनता है सीआई, वो कितना बनता है आप देखोगे, 1000 निकाल दें तो 331 बनता है, 331 बनेगा और ये यूनिट आ गया आपका, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक। अब देखो सीए अपने को 3310 दे रखा है, यानी ये 331 यूनिट है ये किसके बराबर दे रखी है आपको, ये आपको 3310 के बराबर दे रखी है, सिंपल सी बात है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप निकाल लीजिए आराम से, क्योंकि इसके अंदर डिवाइड करें तो 10 आ जाएगी, 10 रुपये आपकी एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाए, कितने आ जाए 10 रुपये आ गई। अब कुछ भी फाइंड आप कर सकते हो, प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल कितना आपका 1000 यूनिट है, इंटू में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 10000, ये लीजिए। अमाउंट फाइंड करनी है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक यूनिट की जो वैल्यू 1331 आ गई, 0 लगा दीजिए आपका आंसर आ गया। तो आपको प्रिंसिपल ही ज्ञात करना था, तो ये था सक्सेसिव मेथड जिससे आप आसानी से कर सकते हो जब आपको एसआई का कोई रिलेशन क्वेश्चन में ना पूछा गया हो। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए, अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है या समझ में नहीं फिर भी मुझे कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे ये आइडिया हो कि आपको कहां समस्या आई है। तो ये था इसका सक्सेसिव मेथड, तो मैं अब कराऊंगा इसी क्वेश्चन को डिटेल मेथड से, वो देखिए आप। चलिए अब डिटेल मेथड को अगर हम पढ़ें तो सिंपल सी बात है, 1/10 है इसकी पावर, पहले 2 कर रहे थे, 2 वर्ष तक कितनी कर दें 3 कर देंगे, तो ये बन गया आपका 1000 यूनिट, क्या बन गया प्रिंसिपल बन गया, क्या बन गया प्रिंसिपल बन गया, 3 साल है तो 3 साल कर लेंगे, ये लीजिए 3 साल,
फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक बात है। यहां निकालेंगे एक बटा दस पहले साल का भी, फिर दूसरे साल का भी एक बटा दस, तीसरे साल का भी एक बटा दस निकालेंगे तो आपका 100, 100 और 100 निकलेगा। सिंपल सी बात है। अब देखो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका इंटरेस्ट निकलेगा सबसे पहले, ठीक है। ये मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, एक बार ध्यान से समझना इस बात को। पहले 2 साल के लिए, अब 3 साल के लिए, तो इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1/10 इसका निकालोगे तो आपका बनेगा 10। कितना बनेगा? 10 बनेगा, ठीक है। अब इस पे चलेंगे, इसका आ गया। अब इस पे चलेंगे तो इससे पहले इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट है, एक ये, इन दोनों पर फिर ब्याज बनेगा तो इसका एक बार और निकलेगा, ठीक है ना। तो 1/10 इसका फिर निकालोगे तो इसका क्या आएगा, आपका 10 आएगा। क्योंकि देखो इससे पहले एक इंटरेस्ट था तो ये निकाल लिए, इससे पहले दो इंटरेस्ट और हैं दो बार, तो दोनों का एक बार फिर निकलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इसका भी निकलेगा, तो इसका कितना निकलेगा, इसका भी 1/10, तो ये कितना आ गया, ये भी 10 आ गया। अब देखो इस पे चलेंगे तो इससे पहले ये दो इंटरेस्ट थे, लेकिन एक इंटरेस्ट और है यहाँ पर, ये भी इससे पहले, इससे पहले जितने भी इंटरेस्ट होंगे उनके उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लेगा, इसका 1/10 निकालोगे तो आप एक निकलेगा। अब फाइनली सारा कुछ निकल गया। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 साल का, तो ये 100, 100, 100, तो 3 साल का, जो 3 साल का सिंपल यानी ऐसा ही आपका कितना है, 300 है। ये देखो 100, 100, 100, 300 आ गया। 3 साल का आपका ऐसा ही कितना आ गया, सॉरी सी आई कितना आ गया, 100, 100, 100, 300, 10, 10, 10, 30, 31, यानी 331 आ गया। ये यूनिट में वैल्यू आ गई। अब सिंपल सी बात है, हमें सी आई दे रखा है, सी आई कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, ये यूनिट है। तो ये किसके बराबर है आपको, 3310 के। तो यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वही तरीका 5 आएगा, 5 रुपए एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरह से आप SI और CI सारा कुछ निकाल सकते हो। ये था आपका डिटेल मेथड। आज जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए जिसमें मैंने डिटेल मेथड बताया, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन को समझना उसके हिसाब से, और सक्सेसिव मेथड भी मैंने बताया कैसे यूज करना है। इस पर हम और क्वेश्चन करेंगे आने वाली वीडियोस में, आज के लिए हम इतने करेंगे। इन चीजों को आप समझें एक बार और खुद इसको आजमाएं, तब जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे से आगे आप शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट तक ये चीजें पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।